नमस्कार। भले ही नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर तमाम चुनौतियों को पार कर बहुमत साबित कर लिया हो, लेकिन नीतीश कुमार के सामने अब एक बड़ी चुनौती है और वो चुनौती बिहार के लगभग 4 लाख के करीब नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षकों की मांग है कि नीतीश कुमार ने जो हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया, इसके लिए तो उनको शुक्रिया, लेकिन जो उन्होंने शर्त रखी कि सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तब ही बिहार में आप नियोजित से राज्य कर्मी का दर्जा पाएंगे, ये ठीक नहीं है। राजधानी पटना में 13 फरवरी को हजारों हजार की संख्या में राज्य के तमाम जिलों से, तमाम प्रखंडों से जो नियोजित शिक्षक हैं वो पटना पहुंचे थे, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को चैलेंज किया और कहा कि हम आपके डराने से, धमकाने से डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम आपकी बात सुनने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि पहले आप मेरी बात सुनोगे तब हम आपकी बात सुनेंगे। शिक्षकों को नीतीश कुमार से ज्यादा इस वक्त बीजेपी पर भरोसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब वो विपक्ष में थे तब शिक्षकों के मांग में सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने की बात कही थी, प्रदर्शन किया था, पटना में प्रदर्शन किया था, लाठियां खाई थी, लेकिन तब सम्राट चौधरी जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे, विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने वादा किया था बिहार के शिक्षकों से कि बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा उन्हें दिलाएंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा था, खुल्लम खुल्ला कहा था कि शिक्षकों के साथ न्याय करना होगा। तो अब सम्राट चौधरी सत्ता में आ गए, संयोग ऐसा कि शिक्षक जब पूरी तरीके से इस बात को लेकर टेंशन में है कि के पाठक ने फरमान सुनाया है कि सक्षमता की परीक्षा आपको देनी होगी, पास करना होगा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, उसी वक्त बीजेपी के लोग सत्ता में आ गए। शिक्षकों को उम्मीद हुआ कि अब तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हमारे साथ खड़े होंगे, वो कहेंगे कि नहीं सक्षमता की परीक्षा नहीं देनी होगी, वो कहेंगे कि अरे नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हैं, हमने जो वादा किया था उन वादों को पूरा करेंगे। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब पटना के भाजपा दफ्तर में जब कल देर शाम शिक्षक पहुंचे तो उन पर लाठियां बरसाई गई, गंदी गंदी गालियां पुलिस वालों ने दी, और इतना ही नहीं, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से शिक्षकों पर डंडे चलवाई गई है इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति शिक्षक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी मांगों को अनसुना करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। हम अभी पटना में जुटे हैं, पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। लेकिन आपको यह समझना होगा कि कैसे जब विपक्ष में थे सम्राट चौधरी तो उन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिलाया था, और आज शिक्षक नाराज क्यों हैं? आखिर शिक्षक के ऊपर जो लाठियां चली है इसका जिम्मेवार कौन है, कौन है गुनाहगार? आपको यह बताएं, इससे पहले आपको यह बता देना चाहेंगे कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने फरमान सुनाया कि आपको सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी, अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए तो नौकरी चली जाएगी। और ये तय उन्होंने किया जो बिहार में इन दिनों लगातार प्रत्येक दिन, आप ये कह लीजिए कि बहुत हुआ तो 2-3 दिन पर एक फरमान जारी कर देते हैं। फरमान वाले साहब बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की मैं बात कर रहा हूं। के पाठक ने क्या कहा? के पाठक ने कहा कि सक्षमता देनी ही होगी। देखिए के पाठक के लिए शिक्षकों के अंदर सम्मान है,
लेकिन के पाठक के फरमान के खिलाफ राज्य के तमाम शिक्षक पटना में गोलबंद हो रहे। तो अब इसके पीछे एक सवाल यह है कि इन्हें क्यों लगता है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा? आखिर वो पटना क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो तब भी कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा, अब इसकी थ्योरी समझ लीजिए, बीजेपी के नेताओं ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया था, बिहार की जनता सीधी साधी जनता, बिहार के शिक्षक भोले भाले शिक्षक, जो बिहार के गरीब तबके के उन बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, सुधारते हैं, जिनकी औकात नहीं होती निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने की, वो समझ नहीं पाते कि राजनीति का र क्या होता है। लेकिन हकीकत यह है कि शिक्षक ही हर पाठ पढ़ाते हैं, चाहे प्रारंभिक पढ़ाई हो, माध्यमिक पढ़ाई हो या फिर उच्चतर आगे की पढ़ाई हो, राजनीति की पाठशाला में भी कोई शिक्षक ही होता है। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षक इस बात को लेकर भरोसा जता रहे हैं बिहार भाजपा के नेताओं पर, और इसी के लिए उन्होंने लाठियां खाई है। यही वजह है कि वो समझ ना सके कि सियासत में कितनी बातें बदलती है। उन्हें लगा कि भाजपा के नेता उनकी बातों को सुनेंगे, सम्राट चौधरी उनके बातों को सुनेंगे, विजय सिन्हा उनके बातों को सुनेंगे। लेकिन दोस्तों यह भी आपको जानना जरूरी है कि सम्राट चौधरी ने कल बिहार के शिष्टमंडल को बुलाया शिक्षक संघ का, और उससे बातचीत की जाएगी। बिहार सरकार ने भी कहा है कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है शिक्षकों की नौकरी खत्म करने को लेकर। लेकिन अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी कल शिक्षकों से मिलेंगे, तो क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उस बात को काट के कि सक्षमता देनी होगी बिहार के नियोजित शिक्षकों का दिल जीतकर ये दिखाएंगे कि बिहार के नेता कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं वो करते हैं? देखिए, शिक्षकों का विश्वास तेजस्वी यादव से उठ गया है, शिक्षकों का विश्वास उन नेताओं से उठ गया जो विपक्ष में रहते उनके हक की आवाज उठाने की बात करते हैं, सत्ता में जाने के बाद भूल जाते हैं उन्हें। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों का दर्द और पीड़ा क्या क्या है ये समझिए। बिहार के नियोजित शिक्षक बंधुआ मजदूर के जैसे काम कर रहे हैं। सुबह के 9 बजे स्कूल जाना और शाम के 5 बजे छुट्टी होना, जरा सोचिए। जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि बिहार में शिक्षकों में एक बड़ी आबादी महिलाओं की है, तो जो महिला गृहिणी भी हैं, शिक्षिका भी हैं, उन्हें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। दूसरी चीज सक्षमता को लेकर मैं बातें करूं, तो सक्षमता जो परीक्षा है आखिर जरूरी क्यों है? बिहार के नियोजित शिक्षकों का कहना है कि हम कितनी परीक्षाएं देते रहे साहब, आप तो सत्ता में आने के लिए रातों रात पलटी मार देते हैं, आपका नाम पलटूराम इस वजह से कि आप इधर से इधर चले आते हैं, लेकिन आप हमारी दर्द को भी समझिए। नीतीश कुमार शिक्षकों के दर्द को आखिरकार कब समझेंगे? नीतीश कुमार आखिरकार ये चीजें क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये नियोजित शिक्षक आखिर कितनी परीक्षाओं को पास करेंगे, कितनी परीक्षाओं को? दक्षता की परीक्षा इन लोगों ने पास की, डीएलएड करा उसकी परीक्षा पास की, इतना ही नहीं आप टीईटी की परीक्षा की भी बात कर सकते हैं, वो मुख्य परीक्षा देकर शिक्षक बने, इनमें कई हजार शिक्षक जो हैं वो हैं। तो अब ये सवाल ये है कि परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा, और साहब आप बताओ कि आपकी इच्छा कब बदलेगी, आप परीक्षा कब दोगे? 5 सालों के लिए राज्य की जनता जिताकर जिसे सदन के अंदर भेजती है, 3 सालों के अंदर 3 बार वो पलटी मारता है, 3 सालों के अंदर 3 बार अलग अलग दलों के साथ शपथ लेता है, और बिहार की मौजूदा हालात, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सवाल भी पूछेगी, ये सवाल भी होगा बिहार की जनता का कि जो शिक्षक हैं उन्हें सक्षमता अगर जरूरी है तो आपने भी क्यों नहीं दिखाई अपनी सक्षमता, आपने भी अपनी क्षमता क्यों नहीं दिखाई, आपने भी क्यों नहीं अकेले जाकर बिहार की जनता के बीच ये कहा कि हमें लालू यादव ने ठग दिया है, हमें भाजपा के लोगों ने धोखा दिया है, आप जनता के बीच जाकर क्यों नहीं वोट लड़के जीत जाते?
गठबंधन में साथ रहने के बाद नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी के मुखिया है। विधानसभा के अंदर 43 से मिले जीते, लेकिन अब बड़ी चुनौती तो यह भी है, बड़ी चुनौती यह भी है कि नीतीश कुमार शिक्षकों के साथ न्याय करेंगे या नहीं। अब जरा सोचिए कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें कंप्यूटर का क भी नहीं समझ में आता है, उनको कंप्यूटर के क का भी नॉलेज नहीं है, और राज्य की सरकार कह रही है कि ऑनलाइन परीक्षा देना होगा। अब वो ऑनलाइन परीक्षा देंगे तो कैसे, उन्हें ना तो मॉनिटर पे कुछ समझ में आता है, ना ही उन्हें ये मालूम है कि माउस कैसे मूव करना है, वो तो कीबोर्ड को भी पढ़ के समझेंगे। और सामने एक चुनौती ये होगी कि सवालों की एक लंबी फहरिस्त, समय कम, और आप परीक्षा ऑनलाइन लेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि राज्य की सरकार राज्य के शिक्षकों से, राज्य की सरकार राज्य के शिक्षकों से 1100 रुपए परीक्षा फॉर्म ले रही है, और कुछ छूट भी है एससी एसटी वाले लोगों के लिए। तो एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर लगभग 4 लाख शिक्षकों की एक बड़ी आबादी को आप 1100 से आप गुना कर दें तो यह आंकड़ा कहां पहुंचेगा। क्या सरकार इन पैसों का हिसाब, क्या सरकार इन पैसों का हिसाब बिहार के शिक्षकों को देगी। बिहार में सरकार ने जो इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां दी है, राजस्व को लेकर बिहार सरकार के पास पैसे की कमी है क्योंकि शराबबंदी है। तो अब सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी राशि जो आप शिक्षकों से ले रहे हैं उसमें आप शिक्षकों के परीक्षा पर मूलतः खर्च कितना करेंगे। 45 करोड़ के करीब रुपए जो है वो शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो फॉर्म भरने के दौरान राज्य सरकार को देंगे। अगर आप देखें तो बिहार राज्य में जितने भी परीक्षा केंद्र होंगे उस पर अगर लगे खर्च को छाट दीजिए तो बिहार सरकार ने शिक्षकों को दिया क्या है। अगर सक्षमता परीक्षा सरकार ले रही है तो इसके लिए राशि देना क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है। आगे आपको ये थोड़ी थ्योरी समझना होगा कि बिहार की सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की अनाउंसमेंट की, लेकिन जब आप राज्य कर्मी का दर्जा देते हैं तो एक सवाल यह है कि शर्त क्यों, शर्त क्यों। राज्य सरकार ने आखिरकार क्यों नहीं अपने शिक्षकों को दक्षता में ही परख लिया, क्यों नहीं शिक्षकों ने डीएलएड में ही परख लिया। आखिर नौबत ऐसी क्या पड़ गई कि जो बिहार के शिक्षक हैं, मैं डीएलएड की बात कर रहा हूं, एनआईयूएस के तहत ली गई थी एक ट्रेनिंग के तहत, तो बिहार की सरकार ने आखिरकार क्यों नहीं शिक्षकों के साथ पहले ही ऐसा कुछ किया। आज बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी, बीजेपी के नेता जो है वो विजय सिन्हा, बिहार के शिक्षकों के साथ क्या खड़ा होंगे, क्या बिहार के शिक्षकों की जो मांग है उसे नीतीश सरकार के आगे झुकाकर पूरा करेंगे, जैसे तेजस्वी ने नीतीश के साथ गठबंधन करने से पहले कहा था कि हमारी कमिटमेंट को पूरा करो, हमारी कमिटमेंट को पूरा करो तब ही हम आएंगे आपके साथ। एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चुनौती है, देखना होगा कल क्या होता है। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें, धन्यवाद।